जानकी माँ कोई नाश्ता करने आए तब तो ना कोई उठा भी नहीं है और सुबह की चाय भी नहीं पी किसी ने। बड़े दादू, आपकी स्पेशल कम अदरक कम इलायची वाली चाय। नहीं बेटा, मन नहीं कर रहा। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। तन्विताई जी, पहले आपको मिलेगी चाय, पी लीजिए। नहीं मौली बेटा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। पर ताई जी, सुबह की चाय तो आपके लिए मस्ट है ना? हाँ, लेकिन सच में मन नहीं है चाय पीने का, रहने दे। स्वरा ताई जी, आप तो लेंगे ना चाय, पी लीजिए। नहीं मौली बेटा, मेरी भी इच्छा नहीं है, रहने दो। मम्मा, आप सॉरी मौली, पर मेरा भी मन नहीं है। तक तो चारों घर को बचाने और शादी कराने में कितने एक्टिव थे, आज कहाँ गई सबकी एनर्जी? सारे घर का यही हाल है, इन्हें वापस ट्रैक पे लाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा मौली। किसने सोचा था कि रॉकेट साइंस से भी ज्यादा डिफिकल्ट हुआ? राहुल, पता नहीं क्या हो गया सबको, पूरा घर सैड होके बैठा है। I need your help, Rahul. What? तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? राहुल, मैं तुमसे कुछ पूछ। सॉरी 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 सॉरी, ये जो काम आता नहीं है वो करते क्यों? मुझे तो मैं कर दूंगी, तुम्हें और लग जाएगी। लगे तो लगे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मतलब मेरी और रति की एंगेजमेंट से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा मौली? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा राहुल? अगर मेरी और रति की एंगेजमेंट हो रही है तो क्या तुम खुश हो? हाँ। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो राहुल, और नॉट ओनली मी, पूरा परिवार खुश होगा तुम्हारी शादी से। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं रति से प्यार करता हूँ? याद दिलाओगी? याद दिलाओ। एक्सीडेंट के बाद तुमने उसे लंदन से बुलाया और रोका किया है राहुल। क्यों वॉट? इट्स ओके, तुम जाओ। ना ही मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है, ना ही मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्लीज राहुल, राहुल तुम मेरी बात। प्लीज मौली, जाओ। इसके मूड स्विंग्स का मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं करनी हेल्प तो ना करे ना, बात तो ठीक से कर सकता है। चिड़ 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 मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रियलाइज होगा तो खुद आएगा सॉरी बोलने। सॉरी माय फुट, मैं तो बिल्कुल बात नहीं करूंगी, टेप लगा लूंगी अपने मुंह पे। पर बेटा घर पे तो टेप नहीं है, दुकान से ही मंगवानी पड़ेगी। क्या चाची जी, आप भी किया क्या है उसने? क्या किया है?
इरिटेट ही तो करता है चाची जी, वही कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया है उसे, अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। अजीब सी बात? चाची जी एक ही सवाल रिपीट मोड पे पूछ रहा है मुझसे कि मौली तुम्हें मेरी और रति की एंगेजमेंट से प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और तेरा जवाब? झूठ बोलती हो चाची जी, ऑफ कोर्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं राहुल से प्यार करती हूँ, पर ये बात उससे बता भी तो नहीं सकती, और बता के भी क्या होगा, वो मुझसे नहीं रति से प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करने वाले हैं तो खुश रहे ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों राहुल बार बार एक ही सवाल पूछ के मुझे इरिटेट कर रहा है, और उसकी शादी से मुझे फर्क पड़े ना पड़े इट्स माई प्रॉब्लम, इतनी सी बात उसे समझ नहीं आ रही है। मौली सुन, मुझे लगता है कि मौली मौली राहुल के शब्दों पे अटक गई है, उसके पीछे का मतलब ही नहीं सोच पा रही है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। असमत, हमको पता है बेसुरा गाते हैं। अरे नहीं छोटे दादू, ये तो आपका टैलेंट है। क्या बेसुरा गाना? नहीं नहीं छोटे दादू, अपने गाने से सबकी खोई स्माइल वापस लाना, मेरी तो लौट आई, क्यों ना हम सबकी स्माइल वापस लेकर आए, है ना, क्या बोलते हैं? अच्छा दादा बताइए ना, क्या सोच रहे थे आप तीनों? हम यही सोच रहे थे कि अब हम तीनों को अपने शहर वापस जाना होगा। हाँ मनु, मेरा भी दिमाग इसी बात पे घूम रहा है। सबका दिमाग धंधे पे अटका हुआ है, स्वरा के भाई का भी बार बार फोन आ रहा, सर में दर्द कर दिया उसने। जीजा जी आ जाइए, जीजा जी आ जाइए, आप हमारी बैसाखी हो, अब बैसाखी है तो सहारा देने जाना पड़ेगा ना। और राहुल की सगाई के बाद तो मेरे पास कोई बहाना ही नहीं बचता है यहाँ रुकने का, और हाँ लंदन जाके रेस्टोरेंट का काम भी तो संभालना है। मेरी टीम भी कॉन्स्टेंटली मुझे कॉल कर रही है कॉम्प्लेक्स सर्जरीज के लिए, दे नीड मी, पर मैं आप सबको और हमारे इस मेहंदी वाले घर को बहुत मिस करूंगा। मैं भी और मैं आप लोगों को। अरे चाचा जी ये क्या हो रहा है? अरे पापा बंद कीजिए, सारा मोहल्ला चुप कराने आ जाएगा। अरे कोई रोको इन्हें, अरे वैसे भी इतने नाजुक है, इन्हें कुछ हो गया तो चाचा जी तो उम्र के साथ और भी बेसुरे हो गए। चलो चलो चल के रोकते हैं उन्हें। बंद कीजिए पापा, चलिए चलिए। नन्हे भैया गाना क्यों बंद कर दिया? देखिए आपने जो माहौल बनाया है ना उसे खराब नहीं होने देंगे, और चलो सब मिलकर गाना शुरू करो। शुरू आ जाओ नन्हे भैया। थैंक यू राम जी, सबके उदास चेहरों पर हंसी फिर से लौट आई। रोना बंद कर मौली, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, चुप हो जाओ प्लीज। मौली का पक्ष लेने के लिए तो तीनों भाभियों से भिड़ गए, पूछ सकते हैं क्या बात है? श्रुति हमें बता बेटा तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ज्योति क्या छिपा रही हो, दिखाओ हमें। ज्योति हमें दिखाओ।
राहुल और मौली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बात इस घर में नहीं पता किसी को, और उन दोनों ने एक दूसरे को भी नहीं पता है ये बात, सिर्फ ये बात मुझे ही पता है। मौली तो मुझे कब का बता चुकी है, और राहुल ने बस अभी अभी मुझे अपने दिल की बात बताई है, और मेरे साथ आप ही जान गई है ये राज। मेरे सगाई का सूट, कैसे लगूंगा मैं? मैं भी तुम्हारी सगाई की ही तैयारी कर रही थी। ठीक है, तो एक और काम कर दो, तो मेरा ये जैकेट भी आयरन करके दे। ठीक है। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कैसा लगूंगा मैं इसमें? राहुल, इसका जवाब तुम्हें मुझसे नहीं रति से मिलेगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी तुम्हें रति से पूछना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें मेरी एंगेजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी राहुल, और तुम एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मेरी मर्जी, और मुड़-मुड़ के मुझे क्यों देख रहे हो? जल्दी से मेरा जैकेट हैंग करके दो। एक काम करो राहुल, सगाई का वेट नहीं हो रहा ना तुमसे, अभी से ये जैकेट पहन के तैयार हो जाओ सगाई के। गुड आइडिया, एक काम करो तुम भी तैयार हो जाओ, सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो तुम ही हो ना मेरी एंगेजमेंट के लिए। एंगेजमेंट मेरी नहीं रति की है, उससे जाके पूछो तो अभी तक रेडी हुई भी है नहीं। एक सेकंड, ये देख मैं ये पहनने वाली हूँ, कैसा लग रहा है? यू नो व्हाट, ये भी जाके रति को ही पूछो, मेरी एंगेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो तुम ही हो। ठीक है, तो एक और काम कर, मेरी एंगेजमेंट में सबसे ज्यादा डांस तुम करोगे। After all, you are the happiest one. तुम नर्वस हो रहे हो ना राहुल? I know. लड़कों का ना यही होता है, जब उनको प्यार करना होता है तो क्लास में बेंच के सबसे आगे बैठ जाते हैं, और जब शादी करने की बारी आती है तो क्लास के बेंच के सबसे पीछे जाके नीचे छिप जाते हैं। डरता वरता नहीं हूँ, एंगेजमेंट के लिए एकदम रेडी हूँ। फैक्ट इसीलिए पैदा हुआ मैं, और देखना तुम्हारे सामने अंगूठी पहनाऊंगा। बिल्कुल गो अहेड राहुल, मैं तो वेट कर ही रही हूँ, और सबसे ज्यादा ताली ना मैं ही बजाने वाली हूँ, तुम देखना। और कर भी क्या सकते, होना तो यही तुम्हारी और रति की एंगेजमेंट। ये रिश्ता खुद राम जी ही जोड़ रहे हैं, वरना आप ही बताइए कि राहुल और मौली की जोड़ी इतनी अच्छी कैसे होती? दोनों हर काम साथ में करते हैं और सफल भी होते हैं। उन्होंने घर को टूटने से बचाया, बिखरे हुए परिवार को समेटा। आप भी मौली को बहुत पसंद करती है ना? चाचा जी, पापा जी बहुत तारीफ करते हैं ना मौली की। इस घर की बहू मौली को ही बनना चाहिए, ना कि रति को, और ये सिर्फ आप ही कर सकती है। आप ही राहुल और रति की सगाई रुकवा के मौली को इस घर की बहू बना सकती है, और यही सही। बस ज्योति, बस करो। मौली और राहुल की शादी कभी नहीं हो सकती। कोई भी सभ्य परिवार डिवोर्सी लड़की को तभी अपनाएगा जब उनका लड़का डिवोर्सी होगा। बड़ी मुश्किल से यह घर जुड़ा है, और ये एक फैसला वापस इस घर को वहीं ले आएगा जहां 25 साल पहले था। पर जानकी माँ, ये फैसला सही भी तो? क्या सही है क्या गलत वो हम तय करेंगे, तो बस वही कर जो हम कह रहे हैं। देख ज्योति, ये बात तुझे मालूम है, मुझे मालूम है, किसी तीसरे को इसकी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, और राहुल और मौली को तो हर किससे। और ये तो अच्छा है कि मौली अपना मन मारकर रति और राहुल का रिश्ता कबूल कर रही है। पर जानकी, राहुल रति के साथ नहीं, मौली के साथ आगे बढ़ना चाहता है।
उसे मौली की पिछली शादी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल के माँ बाप को दिक्कत है, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत दिक्कत। तूने सुना नहीं था तन्नी कितना अड़ गई थी मौली की तलाक वाली बात को लेकर? मौली को बहू बनाने की बात तो छोड़ो, अगर इस बात की चर्चा भी घर में होगी ना तो पूरा का पूरा घर दहल जाएगा। जानकी मां, इस घर में आपकी पकड़ है, आपका काम कोई नहीं टालेगा। राहुल और मौली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अलग मत कीजिए। हमारे आगे हाथ छोड़कर तो हमारा मत नहीं बदल सकती। हम इस मामले में कोई दखल नहीं देंगे। बात खत्म। It's a dream come true for me. Congratulations. God bless you. Thank you. बहुत बहुत बधाई हो, और घर में एक नई बहू का स्वागत है। बहुत बहुत बधाई हो तुम दोनों को। Congratulations. Congratulations. मनीषा दीदी का फोन आया था, उनको और करण जी को किसी जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा तो वो नहीं आ पाएंगी, बट उन्होंने तुम दोनों को बधाई दी है और खूब सारी ब्लेसिंग्स दी है। जब कुछ शुभ हुआ ही नहीं तो बधाई का क्या मतलब? You see, Molly, जो मेरा है उसे मैं किसी का नहीं होने दूंगी। No chance. जानकी माँ, कुछ काम था आपको? तेरी आंखें क्यों लाल हैं? वो कुछ चला गया था, अब ठीक है। रुक, जब बंबई में आंख में कुछ चला जाए तो ऐसे कर लेना, ठीक हो जाएंगी। बहुत मिस करूंगी आप जानकी मां, बहुत मिस करूंगी। हमारा सोच बेटा, कल तुम सब लोगों के चले जाने के बाद सारा घर खाली हो जाएगा, जहां सुबह शाम रात दिन हो हल्ला हुआ करता था वहां चीर सन्नाटा पसर जाएगा। कमरा, आंगन, दालान, जहां भी जाएंगे तुम सबकी बहुत याद आएगी। पर कोई बात नहीं, एक दिन तो जाना ही था, पर अच्छा हुआ तुम सब लोग आए, एक साथ रहे, घर एक बार फिर से जुड़ गया, सबके मन का बोझ उतर गया। जानकी माँ, ये रामायण है, हमारे ससुर जी ने हमें दी थी, ये समझ ले कि ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है जो अब हम तुझे दे रहे हैं। मुझे क्यों जानकी माँ? क्योंकि तुझे परिवार को जोड़ के रखना आता है, और हमारे ससुर जी ने भी यही बात बोलकर
ये रामायण हमें दी थी, अब तेरी है। राम जी भली करे। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी जानकी मैं। सदा खुश रहे। जीते रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। माँ जीते रहो खुश। तुझे नमक पारे बहुत पसंद है ना, ये ले। और विचू, अब तुझे लंदन में घर वाले आम के अचार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू मां। खुश रहो। और ये तेरे लिए आंवले का मुरब्बा, रोज एक खाना। बीमार नहीं पड़ोगे डॉक्टर साहब। हम आपकी शादी में शायद लंदन नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप वीडियो भेजना। हाँ वीडियो क्या, मैं पूरा लिंक भेजूंगी। तुम लोग प्रोजेक्टर मंगवाना और सबके साथ मिलके शादी देखना। वाओ, मतलब डायरेक्ट प्रीमियर लंदन से। हाँ मौली, मैं तुम्हें भी लिंक भेजूंगी। देखोगी ना मेरे और राहुल की शादी? ऑफ कोर्स देखूंगी रति, और आगे की लाइफ के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. इंडिया आते रहना, एंड इफ पॉसिबल मुंबई भी आना। सुना, मैं नहीं आऊंगा ना इंडिया ना मुंबई। Thank you.
राम जी, आपके इस घर को जानकी माँ ने मेहंदी वाले घर का हिस्सा बनाया। आज उन्हीं के बच्चे अगर छोड़ के चले गए तो ये मेहंदी वाला घर अधूरा रह जाएगा। जो पिछड़ रहे उसमें दो प्यार करने वाले भी हैं। कोई चमत्कार कर दीजिए और पिछड़ने वालों को फिर से मिला दीजिए। किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। काश वो लोग घर वापस आ जाते। भैया हम इसलिए गा रहे थे, हमें लगा हमारे बेसुरा गाना सुन के बच्चे हमें चुप करने वापस चले आते। नन्हे भैया, दादी मैं ना अभी मोहल्ले के नए वाले मंदिर से आ रहा हूँ। क्या मस्त सजाया उन्होंने पूरे मंदिर को। कह रहे थे अभी मूर्तियों के साथ साथ झांकी भी निकलेगी, वो पुराने वाले चौक से। बता रहे थे अभी सब घर दर्शन करते हो जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अरे ज्योति बात सुन, तू एक काम कर, तू ना ये अपनी अजंता के साथ जाकर के ना जल्दी से बादाम भून ले, और मैं स्वरा और तन्वी को भी कहा। हो जाएगा जानकी माँ, मैं सब कुछ कर लूंगी। जाकर तैयारी करते हैं। नन्हे भैया रोना नहीं। हाँ बोलिए। हाँ। मनोज जी लड्डू बड़े चाव से खाता था। माँ हम अपने मेहंदी वाले घर वापस आ गए हैं, और इस बार वापस जाने के लिए नहीं, रुकने के लिए आए हैं माँ, हमेशा हमेशा के लिए। पक्की बात? एकदम पक्की बात माँ। घर के बेटों की हमेशा के लिए घर वापसी हो ही गई, खुश तो बहुत हूँ मैं, पर मन में एक तीस भी है। क्या इस घर वापसी का हिस्सा मौली और राहुल नहीं बनेंगे? क्या आज के दिन ही दोनों हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे? जो बादल हमारे छत से गुजर गए थे वो लौट कैसे आए? अकू के मैसेज ने राग मल्हार का काम किया और ये पुराने बादल खींचे चले आए। मौली नहीं दिख रही है भैया। वो कैसे दिखाई देगी ज्योति? वो मुंबई चली गई है ना? चली गई? हाँ ज्योति, उसे अपने करियर पे फोकस करना था और फिर उसे काफी काम भी लाइंड अप थे, पर मुझे नहीं लगता कि परिवार के बिना उसका काम में मन लगने वाला है। जल्दी वापस आ जाएगी और फिर काम तो वो यहाँ पे आके भी कर सकती है। राहुल का भी यही होगा, वो आज बड़े जोश में लंदन गया तो है, थोड़े दिन वहाँ अकेले रहेगा, सारा जोश ठंडा हो जाएगा और फिर उसे यहीं पे आना है वापस। राहुल मौली दूरी रहे तो अच्छा है। आओ बेटा आओ, अंदर आओ। जैसे घर के बेटों को वापस बुलाया है तो प्यार करने वालों को भी बुला लीजिए राम जी। गुजरात के तट से टकराकर देश में आया मैरी तूफान मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। धूल की आंधी चरम पर है, इसी के साथ कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है।
मध्य प्रदेश की कई शहरों की हवाई सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। जब तक उज्जैन में थे कोई स्वीट मैरी सावा मैरी कोई तूफान नहीं आया था, और जब जाने का वक्त आ रहा है अब होटल में पड़े रहो जब तक फ्लाइट रिज्यूम नहीं हो जाती। ब्रिलियंट। अरे इट्स अ गुड डील ना, फाइनली जॉइंट रूम के बदले प्राइवेट रूम मिलेगा। मैं तो एसी चलाऊंगा, सो जाऊंगा भाई। नो वन टू डिस्टर्ब। सर एयरलाइंस ने आपके लिए एक ही रूम बुक किया है एक्स्ट्रा बेडिंग के साथ। ओके एक काम कीजिए, एक रूम और दे दीजिए, आई विल पे फॉर इट। सॉरी सर, रूम्स अवेलेबल नहीं है। आपके पास एक रूम तो होगा, जस्ट चेक प्लीज। कोई इट्स ओके ना, वी विल मैनेज। It's okay. मैम आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए प्लीज। वैसे ही इज माय फियांसे, हमारी कल ही एंगेजमेंट हुई है। वी लुक गुड टुगेदर नो। कांग्रेचुलेशंस मैम, कांग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू। हां कूल, थैंक यू, सी यू। ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़ी ना, क्या जरूरत है सबको बताने की कि तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट हुई है? राहुल मौली, तुम भी इसी होटल? मौली ये यहां कैसे आ गई? एक्सक्यूज मी, सॉरी, इतना क्या मिस कर रहा हूं उसे, हर जगह ही दिखने लगी है। मेरे बारे में तो नहीं सोच रही होगी, मैं क्यों उसके बारे में सोचूं? सामने आ भी गई ना तो साइड से चला जाऊंगा। इस लड़के ने सगाई मुझसे की पर मौली मौली करता रहता है, पता नहीं क्या कनेक्शन है। अगर राहुल ने मौली को देख लिया और दोनों यही रह गए एक साथ, तो कहीं इनके दिल की बात जुबान तक ना आ जाए, कहीं ये एक ना हो जाए। कहाँ गई ये लड़की? आई होप उसने कुछ उल्टा सीधा स्टेप तो नहीं उठा लियो। डोंट वरी राहुल, इट्स ओके, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मौली के बारे में तो उसे बताना ही था ना। दुनिया नहीं थी ना, तब से मैं उससे प्यार करती हूँ। राहुल है इतना प्यारा, किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा। राहुल तो मेरा है। नहीं मेरा है रति, राहुल मेरा है। नहीं राहुल मेरा है, मेरा है, मेरा। हो राहुल तो गिर गया ना, मेरा ना तुम्हारा। अब क्या करें हम? अब उसकी बैंड बजाते हैं, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि राहुल किसी लायक नहीं है, और हम राइट और वो रॉन्ग। गुड आइडिया। तुम्हें पता है जब वो छोटा था ना बचपन में, तब ऐसे कंधे से चिपकू चिपकू बाल लेके स्कूल आता था, और उसके रूम में टॉम क्रूज की फोटो होती थी, पर बाल बड़े चिपकू से होते थे, और पैंट पे भी ना वो शॉर्ट्स में उसके स्पाइडरमैन प्रिंटेड शॉर्ट्स होते थे, जो वो आज भी पहनता है। यू गंदा सा। वैसे योर टर्न। मुझे वो मिस हाय तोबा बुलाता रहता है। ये भी कोई नाम हुआ, बुलाना ही है तो तुम मिस इंडिया बुलाओ, मिस वर्ल्ड बुलाओ, मिस यूनिवर्स बुलाओ। व्हाट इज दिस नेम मिस हाय तोबा? और किसी के भी गले लग जाता है। मैं उस लड़के से शादी करना ही नहीं चाहती। वैसे मुझे लगता है तुम भी उसे डिसलाइक करने लगी होगी।
नहीं रहती। राहुल जैसा भी है मुझे वैसा ही अच्छा लगता है। मुझे उससे बहुत बहुत ज्यादा प्यार है। आई जस्ट आई अरे मेरा आंसर सुने बिना सो गई। अब मैं किससे बताऊं कि मैं राहुल से कित राहुल से जाके बोलती हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। दिल से उतर जाएगी तू उसके, अगर उसे ये बात पता चल गई तो। इतने साल कैसे छुपा लिया तूने इस बात को, तू भी जानती है उसका कितना मन है यहाँ पर रहने का, फिर भी नहीं रह पा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसने हमारे लिए हमारे घर के लिए कर्जा लिया था तेरे भाइयों से, जबकि तू अच्छे से जानती है स्वरा हमने वो पैसे तुमसे नहीं लिए थे, लौटा दिए थे, फिर भी हमारा बेटा सारी उम्र हमसे दूर रहा, तेरे भाइयों का झूठा कर्ज चुकाता रहा। क्यों क्यों क्या स्वरा तूने ये सब सच सच बता? मुझे डर लगता था जानकी माँ, सिर्फ और सिर्फ अपने डर की वजह से मैंने ये कठोर और गलत फैसला लिया। किस चीज का डर? अगर हम यहाँ रह जाते तो ये हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाते। स्वरा ये वहम है। नहीं है, नहीं है। अब अगर उन्हें ये झूठे कर्ज वाली बात पता चली तो वो यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएंगे। अब इस घर में विजय भैया और तन्वी भी तो रहते, आप ही बताइए मैं और ये वैभव को वो सुख सुविधा कभी नहीं दे पाएंगे जो तन्वी और विजय भैया ने राहुल को दी है। और किसी दिन वैभव को ये पता चल गया कि उसके असली माँ बाप हम नहीं तन्वी और विजय भैया हैं, तो क्या वो हमारे साथ रहेगा? हमें जबलपुर रहने दीजिए, बीच बीच में आते रहेंगे और वैसे भी उज्जैन जबलपुर से दूर थोड़ी ना है, मेरे भाइयों का इन पर कोई कर्जा नहीं, आपने वो पैसे कभी लिए ही नहीं जानकी माँ, ये बात इन्हें कभी पता ना चले, इसी में सबकी भलाई है, मेरा घर टूट जाएगा जानकी माँ, मेरा घर टूट जाएगा। आज मैं राहुल से अपने दिल की बात बोलूंगी कि वो मेरे दिल से उतरा ही नहीं, इसलिए वो शायद लंदन गया भी नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने रति को सॉरी सुबह को लड़की जो मेरे साथ आई थी क्या आपने उसे देखा है? नो सर। थैंक यू। कहीं बाहर रेन वॉक करने तो नहीं गई?
मैम आप क्या कर रही हैं? प्लीज अंदर चलिए, आप भीग रही हैं। प्लीज प्लीज अंदर चलिए। तो भीगने दो ना मुझे, ये पानी में नहीं, राहुल के प्यार की बारिश में। मौली यहाँ? ये क्या हो रहा है मुझे? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे राहुल सच में मेरे सामने? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.